मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज ये कहने आया हूं कि उम्र बाधक नहीं कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ कर्ज गुजरने के लिए। क्या प्रकृति ने कोई उम्र निर्धारित कर रखी? इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपनी उम्र को पीछे छोड़ दिया है। यह सही है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर के कार्य करने की क्षमता घटती जाती है, लेकिन जिन लोगों के हौसले बुलंद हैं, जो जीवन में उम्र की ऊंचाइयों में भी कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं, जिनमें उत्साह है, उमंग है, जिनकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति मजबूत है, ऐसे व्यक्तियों के सामने उम्र कोई बाधा नहीं है। उम्र उनके लिए एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं, नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। युवावस्था किसी आयु का नाम नहीं बल्कि शक्ति का नाम है, आत्मविश्वास का नाम है। जिन्होंने अपने आत्मविश्वास को जगा लिया उनके लिए 60 क्या और 70 क्या, वे हर उम्र में युवा हैं। यह सोचना कि अब तो हमारी उम्र हो गई, अब हमसे ये नहीं हो सकता, ये सोच हमको कमजोर बना देती है। जितना हम शरीर से काम करते हैं उससे कई गुना मन से काम करते हैं। इस मन की शक्ति को मजबूत करना, इस ताकत को कमजोर नहीं पड़ने देना। उम्रदराज लोगों के सक्रिय होने के कई उदाहरण। अमिताभ बच्चन आज 70 वर्ष से भी अधिक आयु के हैं लेकिन फिल्म जगत में सबसे सक्रिय अभिनेता। बोमन ईरानी ने तो 44 साल की उम्र के बाद तोड़ना काम करना शुरू किया। भारतीय मूल के वृद्ध खिलाड़ी फौजा सिंह ने 2003 में टोरंटो मैराथन में 92 वर्ष की आयु में दौड़कर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया। उनको ब्रिटिश एम्पायर मेडल से नवाजा गया। दूसरी ओर एक महिला एथलीट मान कौर हैं जिनको 100 वर्ष से अधिक वर्ष की श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड कायम करने का मादा प्राप्त है। मान कौर ने कई स्वर्ण पदक जीते हैं। मान कौर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा है। मानकोर का कहना है कि नया करने के लिए आपको कोई देरी नहीं हुई है, अपनी खुशी के लिए आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। जो समय बीत गया उसके बजाय जीवन में आगे क्या करना है उसको फोकस करना है। मानकोर आज भी सुई में धागा डाल सकती है। फिट इंडिया मूवमेंट के दौरान प्रधानमंत्री महोदय से उनकी वार्ता हुई। मुंबई के सिद्धू आडेकर हैं जिन्होंने उम्र की दीवार उठाकर गाने के शौक को महत्व दिया। 60 वर्ष की उम्र में भी वो गाने के शौक को टीवी शो के माध्यम से पूरा करती हैं। उनका कहना है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी गाती रहूंगी। आपको और भी कई इस प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे। मन में उत्साह हो तो उम्र कभी भी कार्य के मार्ग में बाधा नहीं बनती। बाधा क्या बनती है? केवल हमारी नकारात्मक सोच। यदि कुछ करना चाहते हैं तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं, उम्र उसकी मोहताज नहीं। रिटायर्ड लोगों में अकेलापन और अवसाद एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हार्मोन्स के बदलाव और शारीरिक परिवर्तनों से व्यक्ति का स्वभाव न चाहते हुए भी बदल जाता है। ऐसे में तिरस्कार करने की जगह नई सोच देना बच्चों का फर्ज बन जाता है। बच्चों को समझना चाहिए माता पिता की वजह से उनका वजूद है। कल वह उनके अभिभावक थे, आज बच्चों को माता पिता का अभिभावक बनने की जरूरत है। इसलिए बच्चे माता पिता को नई राह दिखाएं, उनके सपना पूरे करें। इसी कड़ी में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, 90 वर्ष की ग्रेमर गेंडपा जिनके हाथ फटाफट चलते हैं उंगलियां और जो वीडियो गेम खेलती हैं, उनका नाम गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज है। आज उनके यूट्यूब चैनल के 3,29,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसी कड़ी में मेरा ये भी कहना है कि एक महिला 14 वर्ष की उम्र में व्यवसाय शुरू किया है। हरभजन कौर जो बेसन की बर्फी बनाती है, उनका कहना है जब तक खून में खानी है बस चलते जाना। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे।
मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, आप इस उम्र में भी कुछ कर गुजरने के लिए मन में उमंग उनसे पैदा कर सकते हैं। वो क्या है? आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। जिम जाने से आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बल्कि वहां पर आपको ऊर्जा से भरे हुए कई साथी मिल जाएंगे। आपके कुछ शौक थे, आप लेखक बनना चाहते थे, आप चित्रकार बनना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण वो सब शौक छूट गए। आज आप फ्री हैं, आज आप उन शौक को पूरा कर सकते हैं, आप अनुभवी लेखक बन सकते हैं। आपके पास इस समय अनुभव का खजाना है। अब आप सामाजिक कार्यों में जुट सकते हैं, आप कुछ नया कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नया करने की अब उम्र ही चली गई। आप नई भाषा सीख सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं जहां आप पहले नहीं गए, आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने अनुभवों को युवाओं से साझा कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, अपने मित्रों की मदद कर सकते हैं। आप अपने आसपास ऐसे लोगों की मदद करें जो जरूरतमंद हैं, ऐसे बच्चे जो पढ़ने से महरूम रह गए उनको आप पढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उनकी फीस जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कला और संस्कृति के प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। शहर में ऐसे कई संस्थान हैं जहां ये प्रोग्राम हो सकते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। यदि जाने में असमर्थ हो तो आप ऑनलाइन उनसे जुड़ सकते हैं। अपने कार्य की अधिकता के कारण आपने अपने मित्रों से, परिचितों से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, संवाद बंद हो गया था। अब आप फ्री हैं, आप अपने मित्रों से बातचीत करिए, आप अपने मित्रों से मिलने जाइए, उनसे संवाद शुरू करिए, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। आपके अंदर बहुत से गुण पैदा हो गए थे, आपके संपर्क सूत्र बन गए थे, अपने संपर्क सूत्रों से अपने मित्रों को लाभान्वित करिए। आप छुट्टियां प्लान करिए, आप घूमने जाइए, अपने परिवार के साथ घूमने जाइए, ताजी हवा लीजिए, सेहत का ध्यान रखिए, सेहत में आप फिट रहिए, जीवन में निराशा न आने दे, हताशा न आने दे, हौसला बनाए रखें। इस उम्र में आप पौधों से दोस्ती कर लें, फूलों से दोस्ती कर लें, फलों से दोस्ती कर लें, आप बागवानी करें, बागवानी से आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, सकारात्मकता का संचार होगा, तनाव गायब होगा। इस उम्र में कई बार हमको सर्जरी से गुजरना पड़ता है, उस सर्जरी के दर्द से निजात पाने के लिए, उसको रिकवर होने के लिए आप पौधों से दोस्ती कर लें जो आपको खुशी देंगे, आप में शांति आएगी। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्ग चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप में वो चिड़चिड़ापन दूर होगा, आप बागवानी में मन लगाएंगे, आपके दिल को काफी सुकून मिलेगा, अवसाद दूर होगा, तनाव दूर होगा, फजूल की बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगी, आप स्वस्थ बने रहेंगे, पौधों में काम करने से हल्की फुल्की एक्सरसाइज होगी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसी समस्याएं कम होंगी। आप यदि शारीरिक रूप से असक्षम हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। चलिए, आप ये कुछ भी नहीं कर सकते तो एक बढ़िया सा ट्रैक सूट खरीदिए, स्पोर्ट्स शूज पहनिए और सुबह सुबह आप घूमने के लिए निकल जाइए, ताजी हवा लीजिए, सूरज की गुनगुनी धूप का आनंद लीजिए, अपने मित्रों के साथ बाग बगीचे में बैठकर आप बात करिए, अपने अनुभवों को शेयर करिए, हंसी ठट्टा करिए, और इस दौरान अपने घर की बातों को बीच में मत लाइए, ऐसी बात नहीं कहें जो सारा मजा बिगाड़ दे। घर की कलह क्लेश को कभी मत कहिए, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं, फास्ट फूड कतई नहीं खाएं, फलों को स्थान दें। दोस्तों, मोबाइल से दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी है कि हम वर्तमान में जिएं, जो समय बीत गया उसकी तरफ कतई ध्यान नहीं दें, उसको भूल जाएं, और जो आगे आने वाला समय है, भविष्य, उसकी चिंता करके अपने वर्तमान को खराब न करिए। अक्सर देखा गया है कि शिकायत रहती है कि लोग हमको गंभीरता से नहीं लेते, मेरा ये कहना है कि आप भी अपने आप को गंभीरता
लेने से बंद कर दें। आप अपने जीवन को नदी की तरह बहने दें। जिस प्रकार से नदी पहाड़ों से गिरती हुई, नदी नालों में होती हुई, पेड़ों से, झरनों से होती हुई, आखिर समुद्र में मिल जाती, अपने जीवन को किसी प्रकार से बहने दें, चलने दें। च्वाइस आपकी, आप घर में रहें या अस्पताल में रहें, दवा को भोजन की तरह खाएं या भोजन को दवा की तरह लें, किसी कारण से, बिना किसी कारण से दुखी रहें या बिना किसी कारण के प्रसन्न रहें, फूलों की तरह खिलें, चाहो तो कांटों की तरह चुभ सकते हैं। च्वाइस आपकी, केवल आपकी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी। लोग क्या कहेंगे इस बात पे कतई आप ध्यान नहीं दें कि आप ट्रैक सूट पहनकर जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, कि लोग क्या कहेंगे, कतई ध्यान नहीं देना है आपको। लोगों की आदत है आलोचना करने की। डर, डर कुछ नहीं है, डर एक कल्पना मात्र है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आपके दिमाग में ये बात आती है कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक नहीं आ जाए, कहीं मेरे को चक्कर नहीं आ जाए, कहीं मेरा बीपी नहीं बढ़ जाए, इस पर कतई ध्यान नहीं दीजिए। नकारात्मकता, नकारात्मक सोच को अपने जीवन से उखाड़ के फेंक देना है। आपको हमेशा सकारात्मक लोगों के बीच ही रहना है, सकारात्मक ही बात करनी है। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद अपने आप को नकारा समझने लगते हैं, यही नकारात्मकता है। इससे बचें, अपनी ईगो को प्रतिभा पर हावी न होने दें। आप 60 की उम्र के बाद उत्साहजनक जीवन के लिए खुद को तैयार करें। आरामदायक जीवन शैली से बेहतर जीवन जीने के लिए जीवन को बदल सकते हैं। आप खुद पर गर्व कर सकते हैं। मन में उत्साह बनाए रखें। यदि कोई कार्य करना है तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है। कार्य करने के तरीके भिन्न हो सकते हैं। पहले की तुलना में आप अच्छे ढंग से और कुशलतापूर्वक तरीके से कर सकते हैं। याद रहे कि अब आपके पास अथाह सागर जितना खजाना है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप फिर से सपने देखना शुरू करिए, फिर से उनका पीछा करिए, एक बार फिर अपने सपनों को साकार कर दीजिए, उम्र के मिथक को झुठला दीजिए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार, अपने कमेंट्स जरूर मुझे भेजिए। थैंक यू वेरी मच।